केरल में लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। इसी बीच राहुल गांधी रविवार को वायनाड जाएंगे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त किए जाने का असर अमृतसर लाहौर बस सेवा पर भी पड़ा। पाकिस्तान ने शनिवार को इसे बिना कोई सूचना दिए बंद कर दिया। दोनों ओर की बसें खाली लौट आई। 4 जून को राज्यसभा में कार्यकाल खत्म होने के बाद अब मनमोहन सिंह राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की तबीयत खराब होने के बाद उनका हाल जानने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स पहुंचे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बात करने लायक नहीं है। भारत में हमेशा पाकिस्तान आतंकी घटनाओं को अंजाम देता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली रवाना होने से पहले पत्रकारों को बताया कि आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी। रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि रात 8 बजे CWC की फिर बैठक होगी, जिसमें नए अध्यक्ष के नाम का फैसला लिया जाएगा। मंजूर नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का कोई अध्यक्ष नहीं, पार्टी बिना अध्यक्ष के चल रही है। राहुल गांधी कांग्रेस को समाप्त करके सांस लेंगे। 370 को लेकर के भी उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा। महाराष्ट्र के सांगली जिले में भारी बारिश की वजह से कृष्णा नदी का स्तर बढ़ गया, इस कारण यहाँ के कई इलाकों में बाढ़ आ गई। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सतपाल मलिक ने कहा कि श्रीनगर के लोग बकरीद मना सके इसके लिए जरूरी इंतजाम किए गए हैं। राज्य में 2 महीनों का राशन है। शुभमन गिल के दोहरे शतक से बाद इस खिलाड़ी ने कहा नंबर 4 की जिम्मेदारी के लिए तैयार है। ये बल्लेबाज शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज पर 1 दोहरा शतक लगाया था। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने से बौखलाए पाकिस्तान को भारतीय सेना ने चेतावनी दी है कि वो कश्मीर में शांति भंग करने की कोशिश ना करें, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। भारत सरकार द्वारा आर्टिकल 370 खत्म करने से बेचैन पाकिस्तान का शीर्ष नेतृत्व पूरी दुनिया के सामने समर्थन की गुहार लगा रहा है, लेकिन कोई भी मुल्क उसके साथ नहीं आ रहा है। नाम से मशहूर मोहम्मद असाद के खिलाफ उनके देश के क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा कदम उठाया है। बाहुबली प्रभास और श्रद्धा कपूर की फिल्म साहो के टीजर और पोस्टर्स के बाद अब ट्रेलर दर्शकों के सामने आ गया। स्वाति मालीवाल ने आर्टिकल 370 पर दिया अपना बयान, कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर के लोगों को विश्वास दिलाने में लगे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस में महिलाओं के लिए उनके बच्चों के देखरेख के लिए छुट्टियां। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में सभी नेताओं ने एक सुर में फिर राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की अपील की है। कांग्रेस पार्टी नेताओं से अध्यक्ष पद के लिए रायशुमारी में 3 नाम सामने आए हैं। इन 3 नामों में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मुकुल वासनिक हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अनंतनाग पहुंचे, वहां पर उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की, उनके साथ बातचीत भी। तंजानिया में एक तेल टैंकर में जबरदस्त धमाका हो गया, जिसकी चपेट में आकर 57 लोगों की मौत हो गई जबकि 65 लोग घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक टैंकर से तेल लीक हो रहा है। रूस के उत्तरी इलाके में स्थित सैन्य ठिकाने पर उपकरणों के परीक्षण के दौरान विस्फोट हो गया, जिसमें 5 परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हो गई, वहीं 7 लोग जख्मी हो गए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कश्मीर के पूर्व निर्दलीय विधायक शेख अब्दुल राशिद उर्फ राशिद इंजीनियर टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शनिवार को जम्मू कश्मीर में 370 की धारा खत्म किए जाने संबंधी राष्ट्रपति के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने मनोहर खट्टर के कश्मीर की लड़कियों को लेकर बयान की निंदा की।